I said 1, 2, 3. 아직도 내가 네 거라는 착각은 그만. Come on. I said 1, 2, 3. 아직도 내가 네 거라는. गाइज़, तो आज मैंने ये लुक क्रिएट किया है और ये लुक आप किसी भी पार्टी फंक्शन, बर्थडे पार्टी, मतलब कहीं पे लुक क्रिएट करके जा सकते हैं। बहुत ही ऑसम लुक है। आईज़ मैंने थोड़ा बोल्ड किया हुआ है, सूट मैंने चिकन का ब्लैक पहना हुआ है और उस पर फुल मरून मेकअप किया हुआ है। आपको रेड दिख रहा हो मे बी, लेकिन ये मरून है, लिप कलर भी मरून है, मेरी चूड़ियाँ भी मरून है और सामने से भी बहुत अच्छा आ रहा था। मैंने इस पर रील्स भी काफ़ी क्रिएट की हैं, नहीं देखा है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुक आया था। आईज़ हल्की सी मैंने बोल्ड की थी और बिकॉज ब्लैक पहनी थी तो आई शेडो भी मैंने ब्लैक कैरी किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फेस को अच्छे से जो है मॉइस्चराइज़ कर लिया है बिकॉज़ मेरी सुपर ड्राई स्किन है। देन उसके बाद मैं फिटमी का फाउंडेशन अप्लाई करूँगी बहुत ही अच्छे से तरीके से। तो ये आप कह सकते हैं इस मेकअप को आप डे और नाइट दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब लगा के जा सकते हैं। इसके बाद मैं अगेन जो है कलर बार के ब्यूटी ब्लेंडर से इसके ब्लेंड करूँगी, विद इन अ सेकेंड ब्लेंड हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मेरी आईडी भी शो हो रही होगी इंस्टाग्राम की, और आप देख सकते हैं एक डैबिंग में ये बहुत अच्छे से मेरा मेकअप सेट हुआ है। लॉन्ग लास्टिंग मेकअप है बिकॉज मैंने जो बेस लगाया है वो बहुत अच्छा लगाया है और मैं बहुत ही नेचुरल मेकअप करती हूँ, जस्ट लाइक वो सफ़ेदी और वो पाउडर थोपने वाला नहीं करती हूँ। तो एग्जैक्टली सामने से कोई बता भी जल्दी नहीं पाएगा कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है बेस लगाया हुआ है, तो मुझे उतनी बेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सेम फाउंडेशन से मैं हल्का सा आईज़ के पास भी जो है लगा लेती हूँ। मैं कंसीलर भी जल्दी जल्दी यूज़ नहीं करती हूँ, तो जस्ट लाइक एक फेस पे शाइन के लिए मैं ये लगा लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा आप लेते हुए इसे लगा लीजिए। कलर बार का ये ब्यूटी ब्लेंडर भी मैं इसे 10 out of 10 दूंगी बिकॉज ये बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है। देन उसके बाद मैं फेशियल सनाडा की आईब्रो पेंसिल लूँगी। ये हल्का सा वो था तो आप देख सकते हैं फ्रंट में वो एक जगह आके रुक गया है, तो उसे मैं अभी ब्लेंड करूँगी। जो इसकी पुली है, बहुत अच्छी सी पुली भी इसमें दी हुई है जो बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है। तो अगर आप कोई आईब्रो पेंसिल भी ढूंढ रहे हैं तो ये आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, ये मुझे काफ़ी पसंद है। और ये मैं जो है ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ, नॉट अ ब्लैक, बिकॉज ब्लैक से बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। देन उसके बाद मैं हल्का सा जो है नेचुरल, जो मैं बोलूँ जो मरून का जो सबसे डार्कर शेड होता है, जस्ट लाइक ब्राउन, ब्राउन का सबसे लाइट कलर भी आप उसे बोल सकते हो, वो मैं अपने क्रेज एरिया पे लगाऊंगी। और थोड़ा थोड़ा ही आप जो है अपने ब्रश पे लेके अच्छे से लगाइएगा, तभी ये अच्छे से लग भी पाएगा और सेकेंड चीज़ बहुत अच्छे से ब्लेंड, अगर आपने एक साथ ले लिया तो वो उतने अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगेन मैं फेशियल कनाडा का काजल लूँगी और बहुत अच्छे से इसे जो है सेट करूँगी। आप देख सकते सेट इन द सेंस कि मैं इसी काजल से आज जो है आई शेडो भी अप्लाई करूँगी, मैं कोई भी पाउडर बेस आई शेडो नहीं लगाने वाली। देन उसके बाद बहुत ही एक पतली सी कॉर्नर पे ना जाके लाइन लगाऊंगी और उसके जो पीछे ब्रश दिया हुआ है ना, मैं उसी से ही स्मच करूंगी बिकॉज इसमें स्मचर दिया हुआ है। बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन स्मच हो जाएगा और बहुत अच्छा स्मच होगा, सबसे अच्छी बात ये है। आप डेली बेसिस पे भी इस काजल को अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। अगर आपने एक बार स्मच कर लिया तो ये फुल डे आपकी आईज से नहीं निकलने वाला है। तो इसे मैं धीरे धीरे लाइट शेड में कन्वर्ट करती जाऊंगी ताकि एक अच्छा सा स्मोकी इफेक्ट भी आए और बहुत ही नेचुरल भी लगे। अगेन मैं हल्की सी पेंसिल लेके एक वी कट दूंगी अपनी आईज पे और उसके बाद अगेन इसे यहाँ पर ब्लेंड करूँगी।
आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग, जैसे मैंने हमेशा से बोला कि ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी मेकअप के लिए। उसके बाद सेम ब्रश की हेल्प से मैं जो है इसे ब्लेंड करती जाऊंगी। और कॉर्नर पे मैंने जो है स्मोकी इफेक्ट दिया है फुल आईज पे, यहाँ पे मैंने कोई भी इफेक्ट जो है नहीं दिया है। और इस तरह से आपको धीरे धीरे इसे थोड़ा सा, मतलब मैं बोलूँ तो लाइट करते जाना है। और अगर आपको फिंगर की ज़रूरत पड़े तो आप फिंगर भी अप्लाई, बिकॉज फिंगर से स्मचर कोई भी अच्छा स्मचर नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। इसके बाद फेशियस कनाडा का काजल मैं नीचे भी अप्लाई करूँगी और ऊपर, वाटर लाइन में नीचे और ऊपर दोनों तरफ अप्लाई करूँगी। ये आपके आइज़ को बहुत ही, आपके मतलब आईज़ के लुक को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देता है और आपकी आईज़ जो है वो बड़ी भी हो जाती है। उसके बाद जो डार्कर शेड मैंने अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई किया था वो अपनी वाटर लाइन के नीचे भी अप्लाई करूँगी। इससे आईज़ का जो लुक है बहुत अच्छा आता है और आईज़ थोड़ी सी बोल्ड लगने लगती हैं, थोड़ा सा बड़ी लगने लगती हैं। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी आईज़ मेकअप के लिए। इसके बाद मैं लैशेस भी अप्लाई करूँगी, लेकिन लैशेस अप्लाई करने से पहले मैं लैक्मे आइकॉनिक का यहाँ पे मस्कारा अप्लाई करूँगी। मैं वॉल्यूम वाला नहीं कर रही हूँ, बिकॉज जब मुझे लैशेस लगानी होती है तो वो मैं नहीं अप्लाई करती हूँ। वो मेरे पास मेबलिन का है, वो भी बहुत अच्छा है, हाइपर कर, लेकिन ये यहाँ पे मैं हाइपर नहीं, नॉर्मल वाला कर रही हूँ। अगेन मैं ये लैशेस पहनूंगी और ये मैंने लैशेस भी यहाँ पे पहन ली और आईज़ लुक एकदम चेंज हो गया है। उसके बाद बीटरूट और टमाटो वाला जो मेरे पास टिंट है वो मैं लगाऊंगी। मैं बोल रही हूँ ना, मैं बिल्कुल नेचुरल मेकअप, और ये क्रीमी टेक्स्चर है तो वो बहुत पाउडर फॉर्म में नहीं आता है। तो इस तरह से ये देखिए एक बार में ही अप्लाई होता है, ये बहुत ही अच्छा सा लुक देता है। और आप सेम ब्यूटी ब्लेंडर से है जो इसे रख सकते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि एक्स्ट्रा नीचे आ गया है, तो आप सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही उसे अच्छे से स्मच कर लो। मुझे ये मतलब बहुत ही पसंद है, जब मुझे बिल्कुल नेचुरल रहना होता है तो इस टिंट वाले जो बीटरूट एंड टमाटो वाला, इसे मैं अपने गालों पे लगा लेती हूँ, लिप्स पे लगा लेती हूँ और एज अ आई शेडो अप्लाई कर लेती हूँ। बिल्कुल नेचुरल लुक आता है और विद इन अ सेकेंड ये वो लुक क्रिएट भी हो जाता है और हल्का सा काजल अप्लाई कर लेती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा शाइनी लुक आता है। इसके बाद मैं जो है शुगर कॉस्मेटिक की सेम जो चूड़ियों की मैचिंग की है वो लगाऊंगी और इस तरह से पहले स्मच करूंगी, देन अप्लाई कर लूंगी, एक जो है शेप दे दूंगी अपने होठों को। और मैंने फुल मेकअप आप लोग के साथ शेयर कर ही दिया है, बाद में अभी मतलब पहले और बाद में भी शेयर कर दूंगी। मैंने रील्स भी बनाई हुई हैं तो जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी रील्स मैंने बनाई हैं। इस तरह से आप धीरे धीरे अपने होठों को जो है शेप दे दीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, मैं यही बोलूँगी। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं मानसून स्पेशल, बहुत अच्छे अच्छे मेकअप। और हाँ, जब भी आप इस तरह के लिप कलर लगाएं तो उसे हल्का सा स्मच जरूर कर ले। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आओ तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।